हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एसएससी स्टेनो एग्जाम्स 2016 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये रियल क्वेश्चंस हैं, और रियल क्वेश्चंस की मदद से डेफिनेटली आपको एक आइडिया लगता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में, और किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लास को। इस वीडियो क्लास में मैंने एक क्लोज टेस्ट दिया है और एक पैसेज दिया है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और कभी कभी क्लोज टेस्ट एंड पैसेज काफ़ी ट्रिकी हो सकते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए, एसएससी में जो क्लोज टेस्ट आते हैं या पैसेज आते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं होते हैं और टेक्निकल भी नहीं होते हैं। सिंपल स्टोरी बेस्ड या किसी किसी इंसिडेंट पर बेस्ड वो होते हैं और उनको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, देयर अ लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकीज इन बरेली जेल, वन डे अ बेबी मंकी, एक दिन क्या हुआ। देखिए, ये एक लिंक है यहाँ पर, एक दिन क्या हुआ। एक दिन क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक इंसिडेंट की बात हो रही है, कोई घटना हुई है, कोई कोई स्टोरी बता रहा है, और डेफिनेटली ये पास्ट में ही हो सकता है, ये प्रेजेंट में नहीं हो सकता। तो यहाँ से एक एक कंक्लूजन ये निकल के आया कि सारी वर्ब्स, जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स, वो सारी इसमें पास्ट में आएंगी, क्योंकि इसमें घटना बताई जा रही है बरेली जेल की, कि बरेली जेल में एक बार क्या हुआ। एक बार क्या हुआ मतलब पास्ट में हुआ, ठीक है। तो अ लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकीज, इसका इसका एक्चुअली सब्जेक्ट क्या है, मंकी सब्जेक्ट है या कॉलोनी सब्जेक्ट है। कॉलोनी का मतलब है ग्रुप, मंकी का जो ग्रुप होता है उसको हम कॉलोनी बोलते हैं। और चूंकि यहां पर ए लगा हुआ है तो कॉलोनी एक है, ग्रुप एक है, तो इसलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे, यहां पर हम लगाएंगे वॉज। देयर वॉज अ लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकीज इन बरेली जेल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट में आपका जो आंसर होगा वो होगा वॉज, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, यहां पर वर नहीं आएगा। अब आगे आगे देखते हैं, मतलब बरेली जेल में क्या हुआ, एक एक मंकीज का ग्रुप था। देयर वॉज ए लार्ज कॉलोनी ऑफ मंकीज इन बरेली जेल, बरेली जेल में एक मंकीज का ग्रुप था। वन डे अ बेबी मंकी टू कम डाउन नियर आर रूम। अब इसमें क्या है, एक बार बेबी मंकी था, मंकी का एक छोटा सा बच्चा था उसका। देखिए यहाँ पर हैपन से रिलेटेड अलग अलग फॉर्म्स दिए हैं, तो चूंकि ये पूरा इंसिडेंट पास्ट में है इसलिए आप हैपेंड ही इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, हैपेंड। तो यहां पर हो जाएगा आपका हैपेंड। वन डे अ बेबी मंकी हैपेंड टू कम डाउन नियर आर रूम्स एंड ही। एक बार क्या हुआ, एक बेबी मंकी का हमारे रूम्स के पास आना हुआ, ऐसा हुआ, हैपेंड मतलब ऐसा हुआ, ठीक है। यहां पर हो जाएगा हैपेंड एंड ही नॉट गेट अप ऑन द वॉल अगेन। तो यहां पर आप देखिए, मैं आपको ऑप्शन नहीं बता रहा हूं, आप अपने आप बताइए कि यहां पर क्या वर्ड आ सकता है। और वो उस वॉल पर, वॉल से वो उतर तो गया लेकिन वॉल पर वो चढ़ नहीं पाया। तो यहां पर चूंकि पास्ट की बात हो रही है और पास्ट इनएबिलिटी की बात हो रही है, तो केबल और केबल इसमें कुड ही आ सकता है, और वो वहां पर चढ़ नहीं सका। ये रियल पैसेज मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर हो जाएगा कुड एंड ही कुडंट गेट अप ऑन द वॉल अगेन। वो गिर तो गया लेकिन वॉल पर चढ़ नहीं पाया। सम प्रिजनर्स एंड वार्डर्स, देखिए जो जेल होती है जिसको हम प्रिजन बोलते हैं, उसमें अलग अलग वार्ड होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में भी अलग अलग वार्ड होते हैं। तो वहां पर प्रिजनर्स एंड वार्डर्स आए और उन्होंने क्या किया, होल्ड ऑफ हिम। होल्ड ऑफ हिम मतलब यहां पर क्या होगा, कॉट होल्ड ऑफ हिम। चूंकि ये सेंटेंस पास्ट में है तो इसलिए यहां पर क्या आ सकता है, कॉट होल्ड ऑफ हिम। चूंकि वह नीचे आ गया, ऊपर नहीं जा रहा था, इसलिए वहां पर जो प्रिजनर्स घूम रहे थे और वार्डर्स घूम रहे थे, उन्होंने उसको अपने कब्जे में ले लिया। कैच होल्ड ऑफ समथिंग मतलब किसी को अपने कब्जे में ले लेना। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कॉट, कॉट होल्ड ऑफ हिम एंड टाइड अ बिट ऑफ स्ट्रिंग, और थोड़ी सी एक रस्सी वहां पर बांध दी, और रस्सी बांध दी, ठीक है, टाइड अ बिट ऑफ स्ट्रिंग अराउंड हिज नेक, नेक के आसपास। एक सेकेंड, तो ये अराउंड ही हो सकता है, नेक के आसपास
बाकी सारे प्रपोजिशंस यदि लगाएंगे एट द नेक, ओवर द नेक, ऑन द नेक नहीं आएगा, उसके आसपास नेक के आसपास रस्सी बांध दी, इसलिए अराउंड ही होगा इसमें सही। द पेरेंट्स ऑफ द लिटिल वन, मतलब उसके जो मंकी के जो मदर फादर थे छोटे बच्चे के, वो देख रहे थे वहां से। द पेरेंट्स ऑफ लिटिल वन सॉ ऑल दिस, ठीक है, जो मंकी के पेरेंट्स से जो थे उन्होंने इस चीज को देखा। ऑल दिस कहां से देखा? फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई वॉल। फ्रॉम, अब देखिए इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, एक दिया है फॉर्म और एक दिया है फ्रॉम, तो सही आंसर होगा फ्रॉम, छत से उन्होंने उसको देखा। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई वॉल एंड देयर एंगर, जब किसी के बच्चे को आप परेशान करोगे तो क्या होगा, उसके पेरेंट्स को क्या होगा, पेरेंट्स को गुस्सा आएगी, तो देयर एंगर यहां पर क्या आ सकता है, देयर एंगर ग्रू, उनका गुस्सा बढ़ता गया, ठीक है। तो ग्रो का मतलब बढ़ना होता है, इसलिए पास्ट टेंस में हम लगाएंगे। ब्रू क्या है? ब्रू का मतलब होता है जैसे हम चाय या कॉफी बनाते हैं, उसमें चाय की पत्ती डालते हैं, उबालते हैं उसको, उस प्रोसेस को हम ब्रू बोलते हैं। ग्रू का मतलब बढ़ना, तो एंगर के साथ ग्रू वर्ड यहां पर आएगा, ठीक है। सडनली द फादर अ ह्यूज मंकी, और अचानक से क्या हुआ, और उसका जो फादर था मंकी का, जंप्ड डाउन एंड चार्ज ऑलमोस्ट राइट अपॉन द क्राउड। देखिए चूंकि यहां पर मूवमेंट हो रहा है तो चार्ज के साथ यहां पर हम अपॉन ही लगाएंगे, चार्ज के साथ, हाँ अपॉन इसमें ऑप्शन है तो अपॉन इसमें लग जाएगा, चार्ज राइट अपॉन द क्राउड। जैसे ही मंकी के फादर ने ये देखा वहां पर वो कूद पड़ा एकदम तेजी से, विच वॉज अराउंड द बेबी मंकी, मतलब क्राउड के आसपास, बेबी मंकी के आसपास जो क्राउड थी वहां पर वो कूद पड़ा उसको बचाने के लिए। इट वॉज अ ब्रेव थिंग टू डू, ये एक बहादुरी की चीज थी, फॉर द मैन वर मैनी इन नंबर, क्योंकि वहां पर काफी सारे लोग थे, इसलिए वहां पर जाके बच्चे को बचाना एक बहादुरी की चीज थी। क्योंकि मैन प्लूरल है तो इसलिए हम वर ही लगाएंगे यहां पर। बट द मंकी इज करेज वन, लेकिन मंकी के साहस की जीत हुई, एंड द क्राउड ऑफ मैन फ्लैड, और वहां से जो लोग बाग थे वो भाग गए उस मंकी के फादर से डर के, टेरिफाइड, वो डर गए, लीविंग देयर स्टिक्स बिहाइंड देम, और अपनी जो छड़ियां थी उन लोगों के पास वो पीछे छोड़ गए। द लिटिल मंकी वॉज टेकन बैक टू इट्स, लिटिल मंकी को वापस ले जाया गया, कहाँ पर ले जाया गया, उसकी एक जो छोटा बच्चा होता है वो कहाँ पर रहता है, वो अपनी मदर के पास रहता है, तो सही आंसर होगा इसमें मदर। तो ये एक टिपिकल क्लोज टेस्ट है, इस तरह के क्लोज टेस्ट CHSL में, MTS में, CGL में, स्टेनो एग्जाम में, CPU एग्जाम्स में, SSC में पूछे जाते हैं। कभी कभी ये थोड़े से लंबे भी हो सकते हैं, लेकिन क्लोज टेस्ट नॉर्मली ऐसा ही पूछा जाता है SSC एग्जाम में। और यहाँ पर एक देखिए, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन है, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन भी कोई ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। देखिए, क्लाउड्स आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द वेदर कंडीशन विच एग्जिस्ट अराउंड अस। क्लाउड्स जो हैं, बादल, वो वेदर कंडीशन के, यानी मौसम की जो कंडीशंस होती हैं उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, और ये हमारे आसपास रहते हैं। वार्म एयर राइजेज अपवर्ड, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है, इन द एटमोसफियर कैरिंग विथ इट डस्ट एंड मॉइस्चर, गर्म हवा ऊपर उठती है अपने साथ डस्ट और मॉइस्चर को ले जाती है, फ्रॉम एवेपोरेटेड सरफेस वाटर के साथ, ठीक है। एट हायर एल्टीट्यूड्स, या ऑल्टीट्यूड्स बोलते हैं इसको एक्चुअली, ऑल्टीट्यूड्स का मतलब होता है ऊंचाई पर, हाइट पर, हाइट के लिए ये वर्ड आता है ऑल्टीट्यूड। एट हायर ऑल्टीट्यूड द एयर इज कूलर, जब गर्म हवा ऊपर जाती है तो ऊपर ठंडक होती है, एयर इज कूलर एंड द वेपर इन द वार्म एयर रीचेज इट्स ड्यू पॉइंट, और जो वेपर होता है वो ड्यू पॉइंट पर पहुंच जाता है, ठंडा हो जाता है वहां पर, वेयर इट चेंजेस ईदर टू स्मॉल पार्टिकल ऑफ आइस और इनटू वाटर, या तो वो आइस में चेंज हो जाता है या वाटर में चेंज हो जाता है, दस फॉर्मिंग क्लाउड, और इस तरीके से क्लाउड बनते हैं। सिंस क्लाउड फॉर्मेशन टेक प्लेस एट डिफरेंट हाइट्स एंड टेम्परेचर, क्लाउड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। क्लाउड फॉर्मेशन जो होती है वो अलग अलग हाइट पर होती है, अलग अलग टेम्परेचर्स पर होती है, ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, इसलिए अलग अलग हाइट्स पर अलग अलग तरीके के बादल बनते हैं, तीन तरीके के अलग अलग बादल बनते हैं, ठीक है। सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको पढ़ते हैं। देर आर बेसिकली थ्री मेन टाइप ऑफ क्लाउड, तीन तरह के क्लाउड्स होते हैं। अप टू अबाउट 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड वी जनरली सी द फर्स्ट टाइप कॉल्ड द स्ट्रेटस, एक्चुअली ये स्ट्रेटस होता है, स्ट्रेटस, स्टेटस नहीं होता, स्ट्रेटस होता है, ठीक है।
तो जो 1.5 किलोमीटर जो ऊपर होता है वो उस बादल को हम बोलते हैं स्ट्रेटस क्लाउड, ठीक है। ऑन अकेजन्स इट इज द ग्रे स्ट्रेटस क्लाउड विच बेयर लाइट रेन। हल्की हल्की जो बारिश होती है वो स्ट्रेटस क्लाउड से ही होती है। इन कोल्डर एरियाज द वाटर इन दीज क्लाउड्स फ्रीजेस, और जो ठंडी जगह होती हैं वहाँ पर ये बादल क्या होते हैं, जम जाते हैं, और वहाँ पर फिर स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है वहाँ पर, ठीक है। जैसे कश्मीर वगैरह में स्लोली राइजिंग वॉर्म एयर प्रोड्यूसेस दीज क्लाउड्स, ठीक है। तो स्टेटस क्लाउड जो बनते हैं वो स्लोली राइजिंग वॉर्म एयर से बनते हैं। अबव दीज एंड अप टू अबव अबाउट 4.5 किलोमीटर लाई द क्यूमुलस क्लाउड, और 1.5 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर के ऊपर क्यूमुलस क्लाउड बनते हैं। द फ्लफी शेप्स आर अ रिजल्ट ऑफ क्विकली राइजिंग वॉर्म एयर। क्यूमुलस जो क्लाउड्स बनते हैं वो क्विकली राइजिंग वॉर्म एयर से बनते हैं। अबव द क्यूमुलस क्लाउड्स एट एन एल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 14 किलोमीटर फ्लोट द साइरस टाइप ऑफ क्लाउड। तो तीन तरह के क्लाउड हैं, एक स्ट्रेटस, एक क्यूमुलस और एक साइरस। सबसे ऊपर साइरस बनता है, टाइप ऑफ क्लाउड। साइरस क्लाउड्स आर विस्पी क्लाउड्स फॉर्म्ड एट सच अ हाई एल्टीट्यूड दैट दे कंटेन ओनली आइसी क्रिस्टल्स। मतलब सबसे ऊपर जो साइरस क्लाउड बनता है उसमें केवल आइसी क्रिस्टल्स ही होते हैं। यहाँ से हम देखते हैं लाइंग बिटवीन दीज थ्री मेन टाइप ऑफ क्लाउड्स आर अदर टाइप्स लाइक द, मतलब इन तीनों के बीच में कुछ अलग अलग तरीके के बादल के टाइप्स होते हैं, उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। तो सिंपल पैसेज है, ज़्यादा टफ नहीं है। वॉट डू साइरस क्लाउड्स कंटेन? साइरस क्लाउड देखिए सबसे नीचे बनते हैं स्ट्रेटस, फिर कुमुलस, फिर साइरस। साइरस में होते हैं आइसी क्रिस्टल्स, ठीक है। वॉट आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड? एकदम सिंपल है, स्ट्रेटस, क्यूमुलस और साइरस, ये तीन तरह के बादल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। हाउ आर स्ट्रेटस क्लाउड्स प्रोड्यूस? स्ट्रेटस क्लाउड कब बनते हैं? जब जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है धीमे धीमे। तो इसका आंसर हो जाएगा बाय स्लोली राइजिंग वॉर्म एयर। क्विकली राइजिंग वॉर्म एयर से तो क्यूमुलस क्लाउड बनते हैं, स्लोली राइजिंग वॉर्म एयर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वॉट डज क्विकली राइजिंग वॉर्म एयर प्रोड्यूस? क्विकली राइजिंग वॉर्म एयर से क्यूमुलस क्लाउड्स बनते हैं। वाई आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड? तीन तरह के अलग अलग क्लाउड्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो अलग अलग हाइट पर, अलग अलग टेम्परेचर पर बनते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज क्लाउड फॉर्मेशन टेक प्लेस एट डिफरेंट हाइट्स एंड टेम्परेचर। तो सिंपल पैसेज हैं ये, एसएससी स्टेनो के पैसेज हैं, और इसके लिए रीडिंग जरूरी है। यदि आप रेगुलर बेसिस पर रीडिंग करते हैं तो क्लोज टेस्ट और पैसेज को आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके आगे के पार्ट्स मैं इसी कोर्स में अपलोड करूंगा। इसमें मैंने एक क्लोज टेस्ट और एक पैसेज लिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सेम इसी तरीके के पैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एसएससी के वेरियस एग्जाम्स में। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।